दिल्ली किराड़ी विधानसभा के अगर नगर उगना चौक स्थित मन मंदिर के प्रांगण में निशुल्क साक्षरता अभियान को छेड़ते हुए पंडित संतोष कुमार भारद्वाज ने बताया कि मेरा मकसद यहां के गरीब असहाय बच्चों को साक्षर करना है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी यहां दी जाती है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के चलते हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा जगह का अभाव है और प्रत्येक महीने पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से बच्चों को समिति अध्ययन सामग्री का सामान देती है। हमका बच्चों का जितना संस्कार मिले उतने अच्छा है। पंडित जी को क्या कहना चाहोगे आप? पंडित जी को तो धन्यवादी देंगे, मन क्या है, इतना सब कुछ कर रहे हैं वृद्ध बच्चों के लिए, तो उनको तो धन्यवादी देते हैं। आपके यहाँ पे कौन पढ़ते हैं? कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो कैसी हो रही है? और यहाँ के जो पंडित जी हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? आपका नाम क्या है? पूनम यादव जी, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। कब से पढ़ रहे हैं आपके लड़के? एक महीना हो गया। और यहाँ के जो टीचर है वो क्या संदेश देना चाहोगे आप? टीचर भी अच्छे हैं बहुत। और यहाँ के जो पंडित जी हैं जो ऐसी पहल कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, सबसे पहले बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुशीला। आपका यहाँ पे कौन पढ़ता है जी? यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है मैडम द्वारा? सही हो रही है। कौन सी मैडम से पढ़ता है आपको? नीचे बैठी हो मैडम से। कैसी पढ़ाती हो? कब से पढ़ा आपका लड़का? एक हफ्ते से। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रामबाबू शर्मा। आपका यहाँ पे कौन पढ़ता है? हमारे पोते पढ़ते हैं, दो पोते हैं। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है। निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, इनके सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, गरीबों का बच्चे को पढ़ाई शिक्षा दे रहे हैं। कोरोना में सारे स्कूल बंद है, शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ की जो भगत जी हैं उनके बारे में क्या कहने चाहोगे आप? वो बहुत विचारवान लोग हैं, एक हम लोगों के लिए देवता तुल्य हैं। धन्यवाद।